हेलो एन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आर टूडे इस टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन फाइव ईयर प्लान सो इस टॉपिक के अंडर हम सबसे पहले जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव ईयर प्लान ये कब इंट्रोड्यूस किया गया एंड इसके पीछे लॉजिक क्या था इसको इम्प्लीमेंट करने का एंड ये सबसे पहले किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया एंड इसके एम के बारे में हम जानेंगे फाइव ईयर प्लान के बारे में एंड देन उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे जो यूजली एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं एंड दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परसपेक्टिव एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे फाइव ईयर प्लान्स के बारे में टोटल हमारे जो इंडिया में फाइव ईयर प्लान है वो टोटल ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए इन फ्यूचर कि ए, ये प्लान किससे रिलेटेड है कौन से मॉडल से रिलेटेड है एंड इस प्लान का एम क्या था ओके okay? तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में ओके okay? सो so, this video is going to be very important from exam perspective and this video is going to be very important from exam perspective as well so without any further ado let's start with the topic which is five year plan तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे ये जो फाइव ईयर प्लान है ये कब से कब तक इम्प्लीमेंट किए गए थे ये इसका स्टार्टिंग जो हुआ था 1951 से लेके 2017 तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये चले थे फाइव ईयर प्लान एंड आफ्टर दैट इसके पीछे जो आइडिया था आइडिया ऑफ प्लानिंग ऑफ फाइव ईयर प्लान तो इसका आइडिया क्या था टू रीबिल्डिंग बिल्डिंग द इकोनॉमी हमारी uh, जो इकोनॉमी है इंडिया की वो जो स्टेबिलाईज हो गई थी एंड जो रुक गई थी जो भड़ नहीं रही थी उसको uh, दोबारा से रिफॉर्म uh, लाने के लिए उसमें तो रीबिल्डिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया तो इसलिए ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था फाइव ईयर प्लान एंड आफ्टर दैट फाइव ईयर प्लान फेमसली नोन एज बॉम्बे प्लान आपसे पूछा जा सकता है विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज द फाइव ईयर प्लान तो बॉम्बे प्लान आप टिक मारिएगा वहां पे एंड दिस दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव एंड उसके बाद जो uh, ये जो फाइव ईयर प्लान है ये सबसे पहले कहाँ और किसने इंट्रोड्यूस किए किए थे तो ये सबसे पहले स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किए थे तो जोजफ द फर्स्ट पर्सन टू द फाइव ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन विच वाज़ आल्सो नोन एज यूएसएसआर आपको पता ही होगा तो वहां पर सबसे पहले ये फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उसी बेस उसी के बेसिस पर हमारे इंडिया में इन फाइव ईयर प्लान को लाया गया टू रीबिल्डिंग आर इकोनॉमी ओके एंड ये जो फाइव ईयर प्लान है ये सबसे पहले रशिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे इन दर नाइनटीन ट्वेंटी एट में इसको आप याद रखिएगा सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए गए थे नाइनटीन ट्वेंटी एट में एंड जोजफ स्टालिन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए थे ओके okay? सोवियत यूनियन में एंड इसका जो uh, ये जो फाइव ईयर प्लान है इसका एम क्या था इसका तो ये जो प्लान है ये इंडिया में इसलिए लॉन्च किए गए थे टू बुल्ड आर इकोनॉमी एंड अटेन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो प्लान है ये इंडिपेंडेंस के आफ्टर ही इंट्रोड्यूस किए गए थे फाइव ईयर प्लान इन द ईयर 1951 में जैसे आपने देखा ही तो हमारी जो इकोनॉमी थी उस टाइम में ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी तो उसको इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए एंड उसमें अटेन डेवलप एंड उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए इसीलिए ये फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था फाइव ईयर प्लान के रिगार्डिंग ओके okay? ये पूछ लिया जा सकता है आपसे सो जस्ट रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट रिगार्डिंग फाइव ईयर प्लान आफ्टर दैट हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे फाइव ईयर प्लान के रिगार्डिंग जो आपसे यूजअली uh, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग तो हमारे जो फादर हैं इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के वो हैं सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वर ओके okay, इनका नाम आप याद रखिएगा ही इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग आफ्टर दैट प्रेजेंटेड द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया किसने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इंडिया में प्रेजेंट किया था सबसे पहले तो वो थे जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1951 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था प्लान सो फादर ऑफ फाइव ईयर प्लान तो ये थे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के इनको आप याद रखिएगा कंफ्यूज मत हो जाएगा एंड यहां पर पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ फाइव इन ओके तो वो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर थे एंड इसमें पूछा जा रहा है कि हु इज द फादर ऑफ फाइव ईयर प्लान तो फादर ऑफ फाइव ईयर प्लान थे जो हमने डिस्कस किया ही अभी स्टालिन uh, जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फाइव ईयर प्लान इन यूएसएसआर में इन द ईयर 1928 में ओके सो जस एम दिस पॉइंट आफ्टर दैट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉर्जेब्लिश इन विच फाइव प्लान ये जो खादी एन विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये कब इस्टिश किया गया था एंड किस फाइव ईयर प्लान में स्टैब्लिश किया गया था ये किया गया था स्टैब्लिश इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान एंड ये जो खादी एन विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि क्रिएट की जाती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ओके okay? जो कि क्रिएट की गई थी इन द ईयर 1957 में ओके सो जस्ट बर दिस पॉइंट एंड ये सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस की गई थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन सो जस्ट एम्बर दिस आफ्टर दैट हु द फाइनल अप्रूवल टू द फाइव ईयर प्लान इन इंडिया जो फाइव ईयर प्लान बन गए थे हमारे तो उनको जब वो सारे फाइव ईयर प्लान बन गए थे तो उनको फाइनल अप्रूवल कौन देता है इंडिया में तो उनको फाइनल जो अप्रूवल दिया जाता है वो देते हैं एनडीसी स्टैंडशनल डेवलपमेंट काउंसिले एक फाइनल अथॉरिटी है जिन्होंने फाइनल अप्रूवल दिया था फाइव ईयर प्लान को उसको इंप्लीमेंट करने के लिए विच प्रोग्राम और प्लान गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ ऐसा कौन सा फाइव ईयर प्लान था जिन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ तो ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में यह स्लोगन दिया गया था एंड ये स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने उस टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर थी हमारी जो इंदिरा गांधी उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ ओके टू रिमूव पॉवर्टी तो ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में दिया गया था सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइव ईयर प्लान एंड इसके बाद हम देखेंगे फाइव ईयर प्लान के बारे में डिटेल में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइव ईयर प्लान ऑफ प्लानिंग कमीशन ये जो सारे प्लान्स थे ये प्लानिंग कमीशन के फाइव ईयर प्लान्स थे ओके तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ये जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1951 से लेकर 1956 तक ओके okay, तो इसका टेन्योर याद रखिएगा आप एंड ये किस लीडर के टाइम में ये इम्प्लीमेंट uh, किया गया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे एंड ये जो प्लान है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ये बेस्ड था हेरोडोम मॉडल के ऊपर ओके okay, तो आप ये याद रखिएगा नेम इसका मॉडल का एंड ये मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछ लिया जा सकता है आपसे एज अ वन लाइनर कि ये मॉडल किस फाइव ईयर प्लान पर बेस्ड था तो ये हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ओके एंड इस प्लान का जो एम था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री मेन जो इस प्लान का फोकस था वो एग्रीकल्चरल पर दिया गया था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर कि डेवलपमेंट कैसे की जाए एग्रीकल्चर की अपनी कंट्री में ओके okay? एंड ये जो प्लान था ये सक्सेसफुल साबित हुआ था क्योंकि इसकी इसका जो टारगेट था वो था 2.1 परसेंट एंड जो अचीव टारगेट ग्रोथ थी वो थी 3.6 परसेंटेज एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है रिगार्डिंग फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के बारे में तो एट द एंड ऑफ दिस प्लान फाइव आई आई टी वेटअप इन द कंट्री एंड जो मेन प्रोजेक्ट थी इसमें जो इंप्लीमेंट किए गए थे वो थे हीराकुंड डैम जो कि बेस था महानदी रिवर पर एंड ये कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था उड़ीसा में एंड नेक्स्ट भाकरा नागल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था इसी प्लान के टाइम पर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के टेन्योर में भाकरा नागल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था सतलुज रिवर पर इन हिमाचल प्रदेश में एंड दामोदर वैली डैम्स भी इंप्लीमेंट किए गए थे इस टाइम पर वो किए गए थे झारखंड में तो आप ये सारे ही पॉइंट याद रखिएगा तो ये पूछा जा सकता है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंट किए गए थे फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के टाइम पर तो ये वही प्रोजेक्ट्स हैं ओके सो जस्ट ऑल दीज पॉइंट्स सो आफ्टर फाइव ईयर प्लान हम सेकेंड फाइव ईयर प्लान के बारे में जानेंगे इसका जो टेन्योर था वो था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स से लेके नाइनटीन सिक्सटी वन तक ओके एंड इसके जो लीडर थे वो सेम ही थे जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर यहीं थे तो इन्हीं के टाइम पर ये सेकेंड फाइव ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था एंड ये किस मॉडल के बेस पर था ये बेस था बेस ऑन दी पीसी महल मॉडल के ऊपर बेस था सेकेंड फाइव ईयर प्लान एंड ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था पीसी सी मॉडल इन द ईयर 1953 में एंड इस प्लान का जो एम था वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो हमने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का एम देखा था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर एंड ये वाला जो है सेकेंड फाइव ईयर प्लान ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर इसने ज्यादा फोकस किया था ओके okay, सो so आप याद रखिएगा एंड इसकी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो थी 4.5 परसेंटेज बट जो अचीव की थी फोर परसेंट ओके तो ये सक्सेसफुल प्लान साबित हुआ था एंड इस प्लान के जो अचीवमेंट्स थे वो क्या क्या रहे थे जो इस प्लान के अचीवमेंट्स थे वो थे इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स इस टाइम में हमने बहुत सारे कैपिटल गुड्स इम्पोर्ट किए थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ओके okay? एंड इस टाइम में जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किए गए थे मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत इम्प्लीमेंट uh, किए गए थे इस टाइम में फाइव ईयर प्लान के टाइम में क्योंकि ये बेस्ड था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर ओके एंड देन फाइव स्टील प्लांट फर स्टैब्लिश ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान एंड इस टाइम में इंक्रीज कोल प्रोडक्शन हुई एंड देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस टाइम पर रिसर्च की गई थी काफी सारी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक यूनिवर्सिटी है मुंबई में मुंबई uh, महाराष्ट्र में तो वहीं पर uh, इससे रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग काफी सारी डेवलपमेंट्स uh, की गई थी एंड रिसर्च की गई थी तो ये सारे अचीवमेंट्स थे ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान के टाइम में ओके सो जस्ट रिम्बर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू सेकेंड फाइव ईयर प्लान सो नेक्स्ट प्लान इज थर्ड फाइव ईयर प्लान ये इसका टेन्यर कब था 1961 से सिक्सटी 1966 तक एंड इसके भी लीडर जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम में यही प्राइम मिनिस्टर थे एंड ये प्लान गडगिल योजना के नेम से भी जाना जाता है ओके तो आपसे पूछ लिया जाएगा विच प्लान इज आल्सो नोन एज गडगिल योजना तो थर्ड फाइव ईयर प्लान इज आल्सो नोन एज गडगिल योजना क्योंकि उस टाइम में जो डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे डी आर गडगिल तो इसीलिए इस प्लान का नेम थर्ड फाइव फाइव ईयर प्लान का नेम गिल योजना भी रख दिया गया इस नेम से भी जाना जाता है प्लान ओके सो जैसे एम दिस पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस जो थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो एम था वो था टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो लेड्रेस्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट तो इस टाइम में ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान आते आते तो इसमें ये लोग ताकि अपनी जो इकोनॉमी है इंडिया की उसे इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए एंड ज्यादा स्ट्रेस दिया गया एग्रीकल्चर पर एंड प्रोडक्शन ऑफ वीट कैसे इंप्रूव की जाए तो ये सारे जो एम है ये थर्ड फाइव ईयर प्लान के रिगार्डिंग uh, है ओके आफ्टर दिस द प्लान वॉज फ्लॉप ड्यू टू दॉर्स एंड द ड्रॉट ये प्लान जो है ये एक फ्लॉप साबित हुआ अनसक्सेसफुल साबित हुआ क्योंकि इस टाइम में जैसे कि आपने देखा ही इसका जो टेन्योर था 1961 से लेके 66 तक था, ओके एंड इसी टाइम में आ, 1962 में सीनो इंडिया वॉर हुई थी मतलब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में एंड देन uh, उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी एंड उसके बाद ही जस्ट 1966 में बिहार फेमाइन आ गई थी आपको बताइए होगा इट वॉज अ फेमाइंग इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी ओके तो उस वजह से uh, जब uh, ये दोनों वॉर हुई उसके बाद ड्रॉट भी आ गया बिहार फेमाइंग ओके तो इस वजह से ये प्लान फ्लॉप हो गया था इन सब रीजन की वजह से आ, हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ज्यादा ही एक्सपोज हो गई कि बहुत ही ज्यादा वीक इकोनॉमी है हमारी ड्यू टू दी ड्यू टू दीज वॉर्स बिहार फेमाइन हो गया था तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ही एक्सपोज हो गई थी जैसे ही वो आ, इसकी वीकनेस सामने आई जैसे ही हमारी इकोनॉमी की जो वीकनेस सामने आई एक्सपोज हो गई तो तो इस प्लान का जो फोकस था जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ वीट था इसका जो फोकस है इससे शिफ्ट होकर डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ चला गया एंड द इंडियन आर्मी एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ द प्राइसेस मतलब उस टाइम में इन्फ्लेशन आ गई थी एंड अपनी जो डिफेंस थी ये जो वॉर्स हुई थी इस वजह से हमारे हमारी इंडिया को बहुत कुछ सहना पड़ा हमारी इकोनॉमी को बहुत कुछ सहना पड़ा तो उसकी वजह से हमारा जो फोकस है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर डिफेंस इंडस्ट्री पर चला गया उस जगह ज्यादा फोकस दिया गया एंड हमारी इंडियन आर्मी पर वहाँ पर कैसे रिफॉर्म्स लाए जाए और कैसे इम्प्रूवमेंट करी जाए तो ये सारा फोकस थर्ड फाइव ईयर प्लान का इस तरफ चला गया एंड हमारे जो प्राइस हैं वो कैसे स्टेबलाइज की जाए क्योंकि उस टाइम में बहुत आ गया था दैट्स वाई बिकॉज इंडिया इन्फ्लेशन इसी वजह से स्टेबल करने के लिए हमारी इकोनॉमी को वो लोग स्टार्ट हो गए एंड उनका फोकस शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द डिफेंस इंडस्ट्री एंड इस प्लान की जो टारगेट ग्रोथ थी वो थी 5.6 पॉइंट सिक्स बट अचीव हो पाई केवल टू पॉइंट फोर परसेंटेज तो ये प्लान जो है वो बिल्कुल फ्लॉप रहा था ड्यू ड्यूर वॉर्स एंड ड्रॉट रीजन ओके सो जैसे ऑल दिस पॉइंट रिगार्डिंग थर्ड फाइव ईयर प्लान आफ्टर दैट uh, ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान होने के बाद हमारे प्लान हॉलीडेज आ गए कब से कब तक 1966 से लेके 1969 तक क्योंकि हमारी इकोनॉमी गिर चुकी थी एंड काफी सारी चीजें हमने सही एंड अनसक्सेसफुल प्लान एक देखा हमने थर्ड फाइव ईयर प्लान को एंड ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान दैट्स वाई प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई तो आप याद रखिएगा ये जो प्लान हॉलीडेज चली थी 1966 से लेके 1969 तक ओके सो जस्ट ऑल रिलेटेड टू द प्लान हॉलीडेज आफ्टर दैट फोर फाइव प्लान आते हैं प्लान हॉलीडेज के बाद प्लान हॉलीडेज जो चले थे 66 से लेके 1969 तक एंड इसका जो टेन्योर है 1969 से लेके 1974 तक एंड इसके जो लीडर थे इस टाइम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी तो इन्हीं के टाइम में फोर्थ फाइव ईयर प्लान आ, स्टार्ट किए गए इम्प्लीमेंट किए गए एंड जो सिचुएशन थी लार्ज स्केल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इस टाइम में आ, हमारी जो इंडिया को आ, इस टाइम में इंडिया में लार्ज स्केल पर पॉवर्टी देखी जा सकती थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा सकती थी दैट्स वाई इसका जो प्लान का जो एम था वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ओके okay, हम हम कैसे इंडिपेंडेंट बन सकें एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे uh, मिल सके हमें तो उस पर ज़्यादा ग्रोथ उस पर ज़्यादा uh, फोकस होने लगा एंड स्टेबिलिटी पर फोकस होने लगा इंडिया की इकोनॉमिक पे तो ये सारे एम थे फोर्थ फाइव ईयर प्लान के एंड इस टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए इस टाइम में गवर्नमेंट ने नैशनलाइज किए थे फोर्टीन मेजर इंडियन बैंक्स एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो इसी टाइम में स्टार्ट किया गया एंड आपसे पूछ लिया जा सकता है अंडर विच प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ठीक है तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम पर इम्पलीमेंट किया गया था तो आपसे पूछ लिया जाएगा एंड ये जो प्लान था फोर्थ फाइव ईयर प्लान ये भी अनसक्सेसफुल uh, साबित हुआ था ड्यू टू इंडो पाकिस्तान वॉर जो कि चली थी 1971 में एंड ये वॉर थी फॉर दिस बांग्लादेश सेपरेशन मतलब पाकिस्तान को बांग्लादेश से कैसे सेपरेट किया जाए तो ये उस वजह से उस टाइम में इंडो पाकिस्तान वॉर छिड़ गई थी इस वजह से ये जो फोरथ फाइव ईयर प्लान है ये अनसक्सेसफुल साबित हुआ एंड इसका जो टारगेट रेट था वो था फाइव पॉइंट सिक्स परसेंटेज बट पर जो अचीव किया था वो था थ्री पॉइंट थ्री परसेंटेज तो इसीलिए ये एक अनसक्सेसफुल फोर्थ फाइव ईयर प्लान था सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट आफ्टर फोर्थ फाइव ईयर प्लान फिफ्थ फाइव ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड एंड इसका जो टेन्योर था वो था 1974 से लेके 1978 तक एंड इस टाइम में जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी इन्हीं के टेन्योर में uh, ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया गया एंड इसका जो एम था वो था गरीबी हटाओ टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड ये जो स्लोगन दिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये जो स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का ठीक है तो आपसे आपसे पूछ लिया जा सकता है गरीबी हटाओ किस फाइव ईयर प्लान में बोला गया था आ, तो ये बोला गया था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में ठीक है एंड इसका एम ही था इस प्लान का गरीबी हटाओ टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड कुछ और एम भी थे ताकि जैसे ही गरीबी हटेगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी जस्टिस मिलेगा लोगों को एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो पाएगी एंड डिफेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाएगी तो ये सारे ही एम थे ड्यूरिंग द फाइव ईयर प्लान ओके एंड ये एक सक्सेसफुल प्लान साबित हुआ था क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए गए थे द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंडेड इन 1975 ठीक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया था इन द ईयर 1975 में एंड इसी के टाइम में 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे इन द ईयर नाइन्टीन में एंड आफ्टर दैट द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट किए गए थे uh, इस ड्यूरेशन में फाइव ईयर प्लान में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओके तो ये सारे जो इम्प्रूवमेंट है ये किए गए थे ड्यूरिंग द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में एंड ये एक सक्सेसफुल प्लान साबित हुआ क्योंकि इसकी जो टारगेट रेट थी टारगेट ग्रोथ रेट थी वो थी फोर पॉइंट फोर परसेंटेज बट जो अचीव की थी वो थी फोर परसेंटेज दैट्स वाई दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आपको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी होगी ये जो प्लान था इंदिरा गांधी वाला प्लान फिफ्थ फाइव ईयर प्लान ये 1978 तक ही चला था क्योंकि उस टाइम में 1978 में इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि उस टाइम में न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी आ, वो गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की जो कि बिलोंग करती थी जनता पार्टी को एंड ये जो गवर्नमेंट सेलेक्ट होके आई थी इलेक्ट होके आई थी वो आई थी एंड so, so okay? इस प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया था आपको पता ही होगा की इस टाइम पर जैसे कि 1975 से लेकर 1977 तक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी एंड इस टाइम में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी ड्यू टू दॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेज पर एंड ये जो टेन्योर था इस टाइम को रोलिंग प्लान डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उस टाइम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी एंड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में एंड इसी वजह से ये जो मुरारजी देसाई गवर्नमेंट थी वो न्यूली इलेक्टेड होके आई थी नाइनटीन में तो इस इंस्टेबिलिटी को थोड़ा स्टेबल में लाने के लिए रोलिंग प्लान को इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर नाइनटीन में उसी के बाद ही हम कोई प्लान नहीं ला सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी जैसे ही आ जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इन्फ्लेशन आ जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं एंड इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो कुछ समय तक इस प्लान को बोला गया कि थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए तो उसी ब्रेक को रोलिंग प्लान बोला जाता है

कॉइन किया था इनका नेम आप याद रखिएगा ये भी लिया जा सकता है ओके न्यू गवर्नमेंट के उनका नाम था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ड्यू टू दि ड्रैक्रोनियन एमरजेंसी जैसे मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया ओके सो जैसे मंबर दिस पॉइंट रोलिंग प्लान इसका टेन्यूवर था नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक ओके फ्टर रोलिंग प्लान सिक्स फाइव ईयर प्लान फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया एंड इसका जो टेन्योर था वो था 1980 से लेकर नाइनटीन एटी फाइव तक एंड ये लीडर थे इस प्लान के मोरारजी देसाई ओके okay? ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में एंड इस प्लान का जो एम था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाई इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड ऑल्सो बाई प्राइस कंट्रोल ओके सो जस्ट रिम्बर दिस पॉइंट एंड इस फाइव ईयर प्लान के टाइम पे एंड हो चुका था नेहरूवियन सोशलिज्म का एंड इसी फाइव ईयर प्लान के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन ओके सो रिमेंबर दिस पॉइंट एंड आपको ये एंड uh, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव से ये जो सिक्स फाइव ईयर प्लान के टाइम में रिकमेंड किया गया था किस के बेसिस पर शिव रवन कमेटी के बेसिस पर कि किसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज नाबार्ड ओके ये टर्म आपको बहुत ही ज्यादा जाना बहुत ही ज्यादा जाना पर जाना लग रहा होगा तो इसी टाइम पे यानी कि सिक्स फाइव ईयर प्लान के टाइम में शिव रवन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया कब इस्टैब्लिश किया गया था ऑन

ठीक है इसका जो टेन्योर था वो था 1985 से लेकर 1990 तक ओके okay? एंड इस टाइम में जो लीडर थे वो चेंज हो चुके थे वो थे राजीव गांधी पीएम थे इस टाइम में एंड इस प्लान का जो एम था वो था टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लेवल्स थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अब सेवन फाइव ईयर प्लान में टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा एंड इस प्लान का एम था टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की जाए एंड उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए तो ये सबसे बड़ा एम था सेवेंथ फाइव ईयर प्लान का एंड इसी टाइम में नीली क्रांति मिशन भी स्टार्ट किया गया इंट्रोड्यूस हुआ था विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन ओके तो ब्लू रेवल्यूशन आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था किस फाइव ईयर प्लान के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो किया गया था ड्यूरिंग द सेवेंथ फाइव ईयर प्लान नीली क्रांति मिशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके और भी एम थे बजाय टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के इट ऑल्सो एम्स एट एक्सलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाई प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस एंड एंड यह पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी टाइम में इसी फाइव ईयर प्लान के टाइम में सेवन फाइव ईयर प्लान के टाइम में फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रायोरिटी मिली थी उसको प्रायोरिटी मिली थी ओवर द पब्लिक सेक्टर के ऊपर ओके okay? नहीं तो पहले के टाइम में आपने देखा ही होगा पब्लिक सेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे बट इस प्लान के टाइम में प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर के ओके सो जस्ट दिस पॉइंट एंड इसका जो टारगेट एम था वो था 5.0 पॉइंट जीरो परसेंटेज बट अचीव किया गया था सिक्स पॉइंट वन परसेंटेज एंड ये प्लान भी सक्सेसफुल साबित हुआ ओके सो जस्ट जैसे ऑल दिस दिसंट रिलेटेड रिलेटेड सेवन फाइव ईयर प्लान होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में कर दी हैं एंड जो भी पॉइंट है कहीं से भी आपका छूटेगा नहीं जैसे आपने कई वीडियोस देखी होंगी कुछ कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं उसमें थोड़े थोड़े तो मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें सारे डिटेल में पॉइंट्स हैं सारे एक ही जगह हैं तो आप इस वीडियो के देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आता जाएगा एंड कुछ भी छूटेगा नहीं इस वीडियो में ओके okay? एंड आफ्टर सेवन फाइव ईयर प्लान एनुअल प्लान डिक्लेयर कर दिए गए थे एनुअल प्लान का जो टेन्योर था वो था नाइनटीन नाइनटी से लेकर नाइनटीन नाइनटी टू तक ठीक है एंड इस प्लान को भी हम प्लान हॉलीडे कह सकते हैं बट इसको टर्म दिया गया है एनुअल प्लान का जैसे रोलिंग प्लान दिया गया था तो इस, इसको टर्म दिया गया है एनुअल प्लान ओके एंड ये जो हॉलीडे लाए गए थे ड्यू टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इस टाइम में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई थी that's why इसको डिक्लेयर कर दिया गया एनुअल प्लान प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए गए एंड इस टाइम में क्या क्या फेस किया था इंडिया ने इस, जिसकी वजह से ये प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिए गए इस टाइम में इंडिया फेस द तो क्राइसिस ऑफ तो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ओके okay? एंड ज्यूरिंग द एनुअल प्लान नाइनटी में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे एलपीजी रिफॉर्म्स एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो तो इसी के रिगार्डिंग एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए थे एनुअल प्लान में ठीक है एंड यहां पे आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी ये जो प्लान थे ये किसके टेन्योर में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये जो टेन्योर था वो था पीवी वी नरसिम्हा राव उस टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं के टाइम में ये एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए बट उस टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे आप ये मत समझ लीजिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हीं के टाइम में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए आप याद रखिएगा उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो थे पी वी नरसिम्हा राव थे एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे तो जस्ट रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू एलपीजी रिफॉर्म्स एंड द एनुअल प्लान्स ओके आफ्टर एनुअल रिफॉर्म्स एट फाइव ईयर प्लान केम एंड इसका जो टेनअर था नाइनटीन से लेके नाइनटीन तक था एंड इस टाइम में जो लीडर थे वो थे पीवी वी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में एट फाइव ईयर प्लान के टाइम पर एंड इस एट फाइव ईयर प्लान के टाइम में किसको प्रमोट किया गया इस टाइम इस में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब इस इंडस्ट्रीज में और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए एंड उसमें मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए तो उसको प्रमोट करने के लिए एर्थ फाइव ईयर प्लान में ये एम रखा गया एंड इसका और भी एम थे टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन इन चीजों पर भी बहुत फोकस दिया गया एट फाइव ईयर प्लान के टाइम पे एंड इसी प्लान के टाइम में ड्यूरिंग द एट फाइव ईयर प्लान गवर्नमेंट लॉन्च न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द इनटीन नाइन्टी वन में तो आपसे पूछ लिया जा सकता है वेन वॉज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस एंड तो so, ये की थी ड्यूरिंग पॉलिसी इन दर नाइन एंड ड्यूरिंग दिस प्लान इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ डब्लू टी ओ डब्लू टी ओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया मेंबर बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कब एंड किस डेट को ऑन फर्स्ट ऑफ जैन नाइनटीन नाइनटी फाइव में ओके okay, तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जुरिंग द एथ फाइव ईयर प्लान इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड किस डेट को फर्स्ट जैन नाइनटीन नाइन्टी फाइव में तो so, ये क्वेश्चन भी आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा एंड डेट देके आपको पूछ लिया जाएगा ओके सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट एंड एट फाइव ईयर प्लान के जो टारगेट रेट था वो था फाइव पॉइंट सिक्स बट अचीव की गई सिक्स पॉइंट एट दैट्स वाई दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल उजेंड एंड टू इस टाइम में जो हमारे लीडर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेई वो थे पीएम थे इस टाइम में इन्हीं के टेन्योर पर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया एंड इस प्लान का जो एम था वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी

एंड जब हमारी आज़ादी को फिफ्टी ईयर हो गए थे तो उसी टाइम पे ये नाइन्थ फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था तो आप याद रखिएगा आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द फिफ्टी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ओके ये जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड ये एक एक जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम एग्जाम परसपेक्टिव ये ये सीधी ही लाइन आपको उठा के पूछ ली जाएगी कि अंडर विच फाइव ईयर प्लान फिफ्टी एथ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कम्प्लीटेड ओके तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो जो पचास साल पूरे जो कम्प्लीट हुए थे हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस को उस टाइम में नाइन्थ फाइव ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था ऑल दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परसपेक्टिव आफ्टर नाइन्थ फाइव ईयर प्लान टेंथ फाइव ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूसड ड्यूरिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन इस टाइम में जो हमारे जो लीडर थे वो एक लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड बीच में जो गवर्नमेंट आ गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आ गई थी ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे 2004 में ओके तो इसी वजह से ये दो लीडर माना जाएंगे इनके अंडर टेंथ फाइव ईयर प्लान के अंडर तो जो 2004 तक थे अटल बिहारी वाजपेयी एंड 2004 से जो स्टार्ट हो रहा था उनका टेन्योर वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड इस प्लान का जो एम था टू डबल दर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट टेन ईयर ओके सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट। एंड इस प्लान का एक और एम था टू रिड्यूस पॉवर्टी रेशियो टू फिफ्टीन परसेंटेज बाय टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व एंड इसकी जो टारगेट रेट थी वो थी एट पॉइंट वन परसेंटेज बट अचीव की गई थी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंटेज सो बेसिकली ये अनसक्सेसफुल प्लान साबित हुआ टेंथ फाइव ईयर प्लान तो आप याद था टू थाउजेंड सेवन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेल्व तक एंड इसके जो लीडर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी टाइम में ये प्राइम मिनिस्टर थे एंड इस इलेवन फाइव ईयर प्लान की जो थीम थी आपको ये थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये याद रखियेगा इसकी जो थीम थी इलेवन फाइव ईयर प्लान की वो थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ओके एंड दिस प्लान वॉज प्रिपेयर बाय सी रंगराजन जो कि हमारे फॉर्मर आर बी आई गवर्नर थे ये जो प्लान है ये इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया गया था इलेवेन्थ फाइव ईयर प्लान तो आप इनका नेम याद रखिएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परसपेक्टिव एज वेल एंड इसके बाद जो इलेवेथ फाइव ईयर प्लान में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए वो किए गए थे द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन दर टू थाउजेंड नाइन एंड ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू थाउजेंड नाइन में बट केम इन टू इफेक्ट इन दर टू थाउजेंड टेन में ओके सो जिसम्बर दिस पॉइंट एंड इसी प्लान के तहत एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी कर दी गई uh, किन किन के लिए जो चिल्ड्रन सिक्सटीन टू फोर्टीन ईयर्स के बीच में आते हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री एंड कम्पल्सरी कर दी गई ड्यूरिंग द इलेवन फाइव ईयर प्लान के टाइम में सो जैसे प्लान में बताना भूल गई इसमें और भी चीजें इम्पलीमेंट की गई थी इंट्रोड्यूस की गई थी इस टाइम में इलेवन फाइव ईयर प्लान के टाइम में एक और एम रखा गया टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाई टू थाउजेंड नाइन टू थाउजेंड नाइन तक सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान के टाइम में एंड इसका एक और एम था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिडक्शन इन जेंडर इन इक्वालिटी ओके तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एम है इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान के तो आप देख लीजिएगा एंड इसके जो टारगेट रेट था वो था नाइन परसेंटेज बट अचीव की गई एट परसेंटेज ओनली तो ये बेसिकली दिस वॉज अनसक्सेसफुल प्लान ओके बट इम्प्ली बट इस टाइम में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा किए गए तो आप वो इम्प्लीमेंटेशन को याद रखिएगा ओके और द लास्ट वन इज इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान ओके एंड इसका जो टेन्य था वो था 2012 से लेके 2017 तक ये आप टेन्यूर याद रखिएगा एंड इस टाइम पे लीडर थे मनमोहन सिंह ये प्राइम मिनिस्टर थे एंड इस प्लान की भी थीम है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है एंड ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान की जो थीम थी वो थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ओके तो आप ये थीम याद रखिएगा यह थीम देखिए पूछा जा सकता है एंड अ विच फाइव ईयर प्लान दिसम वॉज इम्प्लीमेंटेड ओके तो ये ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान है एंड इसका जो एम है टू रिमूव द जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशन एट स्कूल एंड इम्प्रूव एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन तो बेसिकली इसमें सोशल uh, तो बेसिकली इसमें सोशल जेंडर गैप को रिमूव करने की बात की गई है बेसिकली जब आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल्स में एंड हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात होती है तो उस चीजों में ये सारी चीजें इंप्रूव करने की बात की गई है ड्यूरिंग द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में ओके okay? एंड इसमें और भी बहुत सारे एम रखे गए वो थे टू स्ट्रेंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस ऑल्सो एस्पायर टू एनहांस ग्रीन कवर बाय वन मिलियन हेक्टेयर ईच ईयर एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर तो इसमें बेसिकली uh, क्या करने की बात की गई तो थी सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात की गई की सारे विलेजों में प्रोवाइड करनी चाहिए ठीक है एंड इसमें एनहांस uh, करने की बात कही ग्रीन कवर को मतलब ग्रीन डी ज्यादा बढ़ाई जाए वन मिलियन हेक्टेयर ईच ईयर ठीक है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज किसके लिए नॉन फार्मिंग सेक्टर लोग नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए ताकि उनके लिए चीजें आसान हो जाए एंड उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके फार्मर्स को तो उनके लिए भी ये इम्प्लीमेंट किया गया एम रखा गया एंड इसमें आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि Uh, उस टाइम में ड्यूरिंग द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में एनडीए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके किसको लाया गया नीति आयोग को लाया गया ठीक है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को इम्प्लीमेंट कर दिया गया इन द ईयर 2015 में एंड ये जो प्लानिंग कमीशन था ये फॉर्म की गई थी ऑन मार्च ऑन फिफ्टींथ मार्च नाइनटीन में ठीक है तो इसी को रिप्लेस करके नीति आयोग लाई गई इन द ईयर 2015 में एंड इस प्लान का जो टारगेट रेट था वो था 8 परसेंटेज तो आप याद रखिएगा इसका पहले जो टारगेट रेट था वो था नाइन परसेंटेज बट लास्ट में इसको चेंज uh, करके एट परसेंटेज रख दिया गया ओके सो जस्ट मंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑल फाइव प्लान्स ऑल ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान्स ओके आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं मैंने एंड आपको समझ में आई होंगी एंड एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है जो कि एज अ वन लाइनर भी पूछ लिया जा सकता है स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी ओके okay? so this is the end of a topic and i hope you have found this video informative and if you found this video informative please give it a thumbs up and for more informative videos please like share and subscribe to my channel which is shiva study education and thanks for watching bye bye take care i'll see you in the next one